Hello everyone, my name is Prashant and welcome to the Career Smart Learners. In this video, we are going to discuss question number 5 of exercise 7.2. Okay, ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC. यहाँ पे आपको same base दिख रहा है BC. ऊपर वाला जो triangle है वो है triangle ABC और जो नीचे triangle है वो triangle है आपका DBC. Okay, show that angle ABD, this angle is equal to angle ACD, this angle. ये total angle इस angle को equal होगा, ऐसा आपको prove करना है. ठीक है, तो सबसे पहले जो given है वो हम यहाँ पे लिख देंगे. हमें यहाँ पे दो triangles given है, triangle ABC and triangle DBC, ये हमें given है question में. ठीक है, और क्या गिवन है आप फिगर में देखोगे, यहाँ पे आइसोस्केलस भी बोला हुआ है और फिगर में भी ये सिंबल लिखा हुआ है. तो आप ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी एंड बी डी इक्वल टू डी सी. ओके, तो ये सब कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन है. टू प्रूव हमें यहाँ पे क्या करना है, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए को डी के साइड जॉइन कर दे रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, जॉइन ए डी. ओके, तो अभी आप देखोगे इस साइड एक ट्राइंगल बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड एक ट्राइंगल बन रहा है और राइट हैंड साइड एक ट्राइंगल बन रहा है. ठीक है, तो इन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी ट्राइंगल बन रहा है, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे. उसके बाद आप सीपीसीटी में इजीली ये दोनों एंगल इक्वल है ऐसा आप लिख पाओगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं. एन ट्राइंगल ए बी डी एंड एन ट्राइंगल ए सी डी. तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या दिख रही है, ए डी ए डी कॉमन, दोनों ट्राइंगल में ए डी ए डी कॉमन है. आप फिगर देखते जाना साथ में, ए डी ए डी कॉमन. नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. देन बी डी इक्वल टू डी सी, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है. तो बाय साइड साइड साइड, ठीक है, ये साइड 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 से यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो रही है. ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी बाय साइड साइड साइड. ओके, अभी आप यहाँ पे देखो, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होने के बाद आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल लिख पाओगे. तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एंगल ए बी डी, पैटर्न देखना ए बी डी, तो वही वहाँ पे भी वही पैटर्न होगा, एंगल ए सी डी बाय सी पी सी टी. ठीक है, हर क्वेश्चन में मैं बोलते आया हूँ कि जो आप सी पी सी टी में लिखते हो कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से, तो वो पैटर्न वही होना चाहिए. तो यहाँ पे हमने एंगल ए बी डी कैसे लिखा हुआ है, ए बी डी मतलब फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर एंड थर्ड लेटर. तो राइट हैंड साइड भी वही कॉन्ग्रुएंसी, जो कॉन्ग्रुएंसी आपको गिवन है ट्राइंगल की, तो वही पैटर्न होना चाहिए. तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, ए सी एंड डी. तो ये चीज़ यहाँ पे वैलिड हो रही है और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी यहाँ पे. ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया है. क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया है. क्वेश्चन 6 देखेंगे यहाँ पे हम. क्वेश्चन 6 यहाँ पे गिवन है एक्सरसाइज 7.2 का. ट्राइंगल ए बी सी एज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी. ठीक है, ए बी और ए सी आपको इक्वल गिवन है. साइड बी ए, ये आपको साइड दिख रही है, साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, इसको हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं. ठीक है, प्रोड्यूस टू डी यानी इसको हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं डी तक, सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी. हमने इसको ऐसा एक्सटेंड किया है, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस आपको ए से लेकर डी तक ही रखना है. ऐसे ही एक्सटेंड किया हुआ है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है और ये फिगर भी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. यहाँ पे प्रूव क्या करना है हमें, शो दैट एंगल बी सी डी, ये एंगल की बात हो रही है. देखो सेंटर में कौन सा लेटर लिखा हुआ है, यहाँ पे सी, तो आपको सी के पास देखना है. स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, बी सी डी मतलब इस वाले एंगल की यहाँ पे बात हो रही है. और यहाँ पे क्या प्रूव करना है हमें, एंगल बी सी डी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल राइट एंगल होगा ऐसा आपको प्रूव करना है. ठीक है, तो पहले हम गिवन लिख देते हैं यहाँ पे.
क्या गिवन है हमें, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ से हम एक चीज़ लिख रहे हैं ए बी इक्वल टू ए सी, और आपको ये भी बोला है कि ए डी इक्वल टू ए बी, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो जो चीज़ गिवन है वो हमने लिख ली यहाँ पे। टू प्रूव हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे एंगल बी सी डी इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा हमें प्रूव करना है। ये एंगल राइट एंगल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सभी एंगल्स को एक नाम दे देते हैं ताकि हमें वो फुल फॉर्म वाला नाम बार बार लिखना नहीं पड़े। ठीक है, तो यहाँ मैं इस एंगल को नाम दे रहा हूँ एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, आप कोई भी नाम दे सकते हो, और ये एंगल फोर। ओके, तो अभी हमें नंबर वाइज क्या प्रूव करना है, ये एंगल हमें राइट एंगल प्रूव करना है, मतलब एंगल टू प्लस एंगल थ्री, एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज़ 90 डिग्री, राइट एंगल का मीनिंग वही हुआ 90 डिग्री, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो ये मैंने टू प्रूफ के अंदर लिख लिया। ओके, प्रूफ हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले। ओके, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, ये चीज़ आपको गिवन है। सेकेंड चीज़ आपको ये भी गिवन है ए बी इक्वल टू ए डी, ये भी चीज़ क्वेश्चन में गिवन है आपको। तो आपको ये पता है एक चीज़ इसको भी इक्वल है और वही चीज़ दूसरे चीज़ को भी इक्वल है, तो ये दोनों भी, मतलब ये दोनों लाइन भी आपस में इक्वल होगी। ए बी लाइन ए सी लाइन को इक्वल है और ए बी लाइन ए डी को भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए डी इक्वल टू ए सी फ्रॉम अबव। ओके, तो ये चीज़ पहले आपको बता देनी है, ए डी इक्वल टू ए सी होगा। अभी आप देखें इन ट्राइंगल ए बी सी, मैं फिगर दिखा रहा हूँ आपको, इस वाले ट्राइंगल में आपको देखना है ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, तो जो अपोजिट एंगल होंगे, तो अपोजिट एंगल एंगल टू और एंगल वन, अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे बता देनी है। इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू होगा, रीज़न में आपको लिख देना है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, इसको हम इक्वेशन वन नाम दे देते हैं। अभी आपको ऊपर वाला ट्राइंगल देखना है, ट्राइंगल ए सी डी, इस ट्राइंगल को देखना है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में भी अभी अभी हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है ए डी इक्वल टू ए सी, ए डी इक्वल टू ए सी, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हो रही है, दो साइड इक्वल है, इस ट्राइंगल में भी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो अपोजिट एंगल्स भी यहाँ पे भी इक्वल होंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल ए सी डी आपने क्या प्रूव किया है, ए डी इक्वल टू ए सी, ए डी का अपोजिट एंगल फोर और ये ए सी का अपोजिट एंगल यहाँ पे थ्री लिख दिया है मैंने, और यही सेम टू सेम रीज़न आपको यहाँ पे लिख देना है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये मैंने ऐसे किया हुआ, लेकिन आपको ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है फिर से। ओके, तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें मिल गई है, इसको मैं इक्वेशन टू नाम दे रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एड इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, जो हमने आगे प्रूव किया है उन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन वन आपको दिखा दूँ, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू है और इक्वेशन टू है आपका एंगल फोर इक्वल टू एंगल थ्री। इन दोनों को आप जैसे ही ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड एडिशन होगा एंगल वन प्लस एंगल फोर, राइट हैंड साइड क्या एडिशन हो रहा है, एंगल टू प्लस एंगल थ्री। ओके, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है, टू और थ्री को साथ में एडिशन होना चाहिए, ऐसा आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने एंगल टू इक्वल टू एंगल वन लिख दिया तो वो अलग हो जाएगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, टू प्लस थ्री 90 डिग्री प्रूव करनी है,
प्रूव करना है हमें, तो 2 + 3 एक साइड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एंगल 2 राइट हैंड साइड है, एंगल 3 भी राइट हैंड साइड है। अभी हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड एडिशन होगा, यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ओके। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे आगे जाके काम आएगी, इसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3, ओके। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ये इक्वेशन 3 हम आगे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं एक ट्रायंगल का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, इन ट्रायंगल BCD फिगर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये पूरा का पूरा बड़ा ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, इसके बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल BCD, ओके। तो ट्रायंगल BCD में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको एक चीज़ पता है, ट्रायंगल में सभी एंगल्स का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है, रीज़न भी आपको लिख देना है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि अगर आप ट्रायंगल के सभी एंगल्स को ऐड करोगे तो उसका समेशन 180 होगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जो हमने नंबर वाले नाम लिखे हैं वो लिख देंगे। एंगल बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल सी, एंगल सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी को मैं क्या नाम लिखूँगा, एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। मैं 1 और 4 को एक साथ लिख रहा हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 4 और 2 प्लस 3 को एक साथ लिख रहा हूँ इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अभी ऊपर आप देख सकते हो 1 प्लस 4 हमने क्या प्रूव किया है, एंगल 1 प्लस 4 इज़ इक्वल टू एंगल 2 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस 4 की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, 2 प्लस 3, ठीक है। ये जो 1 + 4 लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, इस दोनों का टोटल की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस, ये वाला तो ऑलरेडी यहीं पे ही था, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 × एंगल 2 दिख रहा है, 2 × एंगल 2 और 2 × एंगल 3 आपको यहाँ पे दिख रहा है, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अभी इन दोनों में से मैं यहाँ पे 2 कॉमन निकाल दे रहा हूँ, तो ब्रैकेट क्या आ रहा है आपका, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिवाइड बाई 2, एंगल 2 प्लस एंगल 3 यहाँ पे क्या आ रहा है, 90 डिग्री आंसर आ गया हमारा। और यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी, ठीक है ना। यही चीज़ आपको यहाँ पे देखो, 2 प्रूव वाले स्टेटमेंट में एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपको 90 डिग्री यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है, हिंस एंगल BCD, एंगल BCD इज़ अ राइट एंगल, ओके। यहाँ पे हमने लिखा एंगल BCD इज़ अ राइट एंगल, और यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रूव करनी थी, ठीक है। तो आप किसी भी फिगर में अगर आप नंबरिंग कर दोगे तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 6 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू फॉर वॉचिंग।